अब आपको बताइए कि एक मुद्दा चल रहा है कि एयरफोर्स में जो बंदा नंबर वन आया प्रवीण गुर्जर, उसको लेकर इतना विवाद हो गया कि नीरज शर्मा सर और डिफेंस कैडेट अकेडमी वाले भिड़ रहे, और इस भिड़ने में मैं नहीं जाऊंगा कि वो बच्चा किस पे पढ़ा है, नीरज सर से पढ़ा है या डिफेंस कैडेट अकेडमी से पढ़ा है, लेकिन मुझे कुछ चीजें बड़ी अजीब लगी। जब नीरज शर्मा सब कह रहे हैं कि ये बच्चा मेरे यहां भी पढ़ा है तो उसमें दिक्कत क्या, और बच्चे ने कहा कि मैंने एनरोल किया तो था। तो भाई एक बात बताए, हम टीचर लोग हैं, हम तो तुम्हें देखते नहीं है भाई कि कौन कैसे कितना पढ़ रहा है, एनरोल हो गया तो अब हम तो यही मान के चलेंगे ना हमारे से पढ़ा है। अब मैं देख रहा हूं भाई साहब कैडेट डिफेंस अकेडमी वाले हल्ला मचा रहे हैं, बुरा बुरा बोल रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं उस नीरज शर्मा सर को, जिन्होंने भाई साहब मैं कह रहा हूं कि 5-6 साल से अपना सारा टाइम इन स्टूडेंट के लिए दे दिया। यार नीरज शर्मा सर बच्चों के लिए भगवान तक हैं, आप समझो उस बात को, क्योंकि भाई ये चीज देखो कि उनके चैनल पर इतना कंटेंट पड़ा है जितना लोग पेड कोर्स में नहीं देते। हाँ तो भाई एक साथ एक आदमी की छवि खराब है, छवि खराब करने में लग गए, किसी को बदनाम करने में लग गए, भाई ये तो बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। कहीं तो बच्चे पागल हो गए यार, स्टूडेंट छोड़ो, अभी मैं टीचर छोड़ो, स्टूडेंट ही पागल हो गए, कह रहे हैं अरे नहीं इनका बायकॉट करो, ये ऐसे चीटिंग कर दिया। अरे भाई क्या चीटिंग कर दिया जरा बताना हमें, उन्होंने नीरज शर्मा सर ने क्या चीटिंग कर दिया, क्या किसी के पैसे ले लिए, क्या किसी को गलत इंफॉर्मेशन दे दी, क्या क्या मतलब, एक छोटी सी बात तो होता है कि बच्चा ये मेरे यहाँ एनरोल है बस खत्म, इसमें इतना हंगामा खड़ा करने की जरूरत क्या हो रही थी बताओ। और तुमने अगर उस वीडियो को देखा होगा जो प्रवीण गुर्जर ने डाली है, उस वीडियो में उस बच्चे का जितना भी स्टेटमेंट है वो सब रिकॉर्डेड है, वो बच्चा बगल में देख देख के पढ़ रहा है, उसका खुद का स्टेटमेंट नहीं है भाई, समझ रहे हो ना। अच्छी बात है बेटा, आप इंडिया को टॉप करते हो, आपको बहुत बहुत बधाइयां, आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो, एक टीचर यही सोचता है। लेकिन एक टीचर ने अगर ये कह दिया कि मेरे यहां भी पढ़ा है तो उसमें दिक्कत कहां है बताओ। भाई मुझे ये बता दीजिए, अगर आज प्रवीण गुर्जर का 10th वाला इंग्लिश का टीचर ये कहे कि मेरे एक स्टूडेंट ने इंडिया को टॉप किया है एयरफोर्स, तो इसका मतलब क्या उसका क्रेडिट नहीं बनता? अरे भाई बनता है, बनता है। एलकेजी के जिस गुरु ने आपको पढ़ाया बेटा उसमें भी आपका बनता है, ऐसा नहीं है भाई साहब। मैं धवन पूरी तरह से सपोर्ट करता हूं नीरज शर्मा सर को, इसमें इतना कुछ करने की, इतना कुछ गलत नहीं हुआ जितना लोगों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। कुछ तो ग्रुपों में डाल रहे हैं अरे नीरज शर्मा वो बायकॉट करो, नहीं बायकॉट करोगे तुम उस इंसान को जिसने रात दिन तुम्हारे लिए दिए। मैं नीरज शर्मा को पर्सनली जानता हूं भाई साहब, उस बंदे ने वो किया है जो कोई टीचर कर नहीं सकता, 2400 घंटे अपने लैपटॉप में इन बच्चों को फ्री पढ़ाने के लिए लगे रहते हो। जब मैंने वो वीडियो देखी भाई साहब बहुत गुस्सा आया कि इतने ईमानदार मेहनती आदमी के लिए अगर कोई स्टूडेंट ऐसा बोल रहा है। मैं कैडेट डिफेंस अकेडमी वालों से नहीं कह रहा कुछ भी, वो आप कुछ भी कहते रहो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं स्टूडेंट से कह रहा हूं तुम्हारी क्या आंखें बंद हो गई है, तुम भी बस सबकी भाषा बोलने लग गए हो। आप देखो कौन मेहनत करता है आपके लिए, कौन मेहनत कर रहा है आपके लिए, और पेड कोर्स बेच रहे, कईयों ने कहा करे फलानी अकेडमी ज्वाइन कर ली आपने, क्यों भैया एक बात बता, बच्चे भी पालने नहीं हम टीचरों के, हमारी भी तो फैमिली है, पढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो ज्वाइन करता ही है ना। हाँ आपकी तरह तो नहीं है कि जीडी के लिए बुला ली, फ्री में जीडी कराएंगे, रहने के नाम पर 10,000 रुपए ले लिया आपने, यस हॉस्टल की फीस 10,000 रुपए है, जीडी फ्री है, आ जाओ पूरी इंडिया से 500 स्टूडेंट हो गए कमाई। यार अपनी फीस को देखो, आप अपनी फीस को देखो, आप एनडीए से लेकर एयरफोर्स के 2-2 लाख रुपए 1-1 लाख रुपए चार्ज करते हो यार, तुम कौन से कमाने की बात कर रहे हो। कोई बात नहीं, अगर दूसरी अकेडमी पर जाकर कमाता है तो कमा नहीं सकता क्या, बिल्कुल गलत बात है ये, मैं नहीं मानता इन सब चीजों को। नीरज शर्मा सर मेहनत करते हैं, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूं, बॉस सभी अपने डिसीजन को खुद लें। कुछ बच्चे एयरफोर्स वाले खुद ही वीडियो बना बना के डाल रहे हैं उल्टी सीधी, अरे ऐसे कैसे डाल सकते हो तुम उस इंसान के लिए यार जिसको आप प्रॉपरली जानते तक नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए मैं धवन बिल्कुल इस बात को नहीं मानता, जो भी नीरज शर्मा सर ने किया वो गलत किया, बिल्कुल सही किया उन्होंने, एक स्टूडेंट पढ़ा है तो उसको बताने में दिक्कत कहां है। इस बच्चे ने जो बोला है प्रवीण गुर्जर ने सब रिकॉर्डेड है बेटा, सब स्क्रिप्टेड है, आप समझ रहे हो ना, आप अपने दिमाग से काम लें।
बस अब मैं ज्यादा कहूंगा नहीं, चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं। मैं टॉपिक के बारे में बात करता हूँ। आज जो टॉपिक हमारा चल रहा है बेसिक से,